इसलिए ये ऐसे युद्ध की चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। ये बात पुतिन भी जानते हैं और बाइडेन भी। इस युद्ध के शुरू होने से पहले कई एक्टर शामिल हो चुके हैं। एक तरफ ईरान बनाम इसराइल है तो दूसरी तरफ बाकी एक्टर्स में अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है, लेबनान है, इराक है, सीरिया है, यमन है। तुर्की भी इस युद्ध से अछूता नहीं रहेगा। अजरबैजान, आर्मेनिया भी इस युद्ध में खिंचे चले आएंगे। युद्ध शुरू हुआ तो नेटो को भी एक्शन में आना पड़ेगा और चीन को कौन नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन युद्ध को काबू करने के बजाय इस वक्त ईरान और इसराइल में ऐसी मीटिंग हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध को और तेज करेगी। पेंटागन से लेकर इसराइल के वॉर रूम तक घंटों मीटिंग हुई है और अब भी चल रही है। तेहरान को जवाब देने के लिए कि अमेरिका भी इतने ही प्रेशर में है जितना इसराइल है, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इसका जवाब भी आपको दिखा देते हैं। एक तरफ नेतन्याहू बम गिराने वाले हैं और दूसरी तरफ बाइडेन बारात में जा रहे हैं। नेतन्याहू के टारगेट पर गजा है, बेरूत है, ईरान है और बाइडेन व्हाइट हाउस के स्टाफ की शादी में है और बाइडेन अब पार्टी मोड में आ चुके हैं। ये बारूद वर्सेस बारात वाली तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। वैसे बाइडेन ने सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिला को तेल अवीव बहुत सोच समझकर भेजा है। इसके पीछे अमेरिका का एक बड़ा मैसेज है। मैसेज ये कि अगर ईरान और इसराइल का युद्ध हुआ तो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे। या कहे कि ईरान और इसराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। खबर यह भी है कि ईरान को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं। सवाल है कि क्या ये खास इसराइल को रोकने के लिए सप्लाई किए गए हैं। रूस की तरह ईरान भी दुनिया में एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय सिस्टम चाहता है, यानी अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। ये रूस और ईरान दोनों बताना चाहते हैं। तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और लेबनान में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला की हत्या के बाद पुतिन ने अपने सबसे शीर्ष प्रतिनिधि ईरान भेज चुके हैं। ये नेतन्याहू को भी बड़ा पैगाम है और बाइडेन को भी बहुत खतरनाक मैसेज है। इसराइल अब कैसे वार करेगा और ईरान फिर कैसे जवाब देगा, इस दशक में दुनिया के लिए सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है। 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप को डरा दिया, अमेरिका तक घबरा गया। 2023 हमास ने इसराइल पर हमला करके पश्चिम एशिया का सबसे खतरनाक युद्ध छेड़ दिया। लेकिन 2024 सवाल है कि क्या ईरान और इसराइल का युद्ध हुआ तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। यानी 2022 में तो दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई, 2023 में भी गजा युद्ध के बाद विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2024 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इसराइल युद्ध के साथ विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा। مشورت های خیلی خوبی بین ما صورت گرفت. ابتکاراتی الان وجود داره توسط برخی از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای فرامنطقه. ما به مشورت های خودمون با اون کشورها ادامه خواهیم داد. عملی یک عکس العملی خواهد بود از سوی ایران به صورت متناسب و مشابه. ایران کی میسایل پاور سے اسرائیل بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے. یہ بات بائیڈن اور پوتن دونوں جانتے ہیں. ایران نے جس طرح سے اسرائیل پر حملہ کیا उसे तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की नई मिसाइल खैबर शिकन, फतेह और खुर्रम शहर 4 पर इसराइल का पूरा फोकस है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इनमें से खुर्रम शहर 4 की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इसलिए ईरान का जवाब भी फौरन आएगा और दोगुनी ताकत से आएगा। अब देखना है कि अगले 24 घंटों में ईरान और इसराइल के बीच क्या होता है। दोनों की तैयारी पूरी है, हालांकि अगला एक्शन क्या होगा इसका पूरा कंट्रोल इसराइल के पास है।